नमस्ते मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय का इकाई नंबर 6 मालव जी। उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। प्रश्न दूसरा है, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। उत्तर है, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपनी माँ को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आता होगा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और उसमें से वाक्य हमें दिखाई देते हैं। दृष्टि, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सत्यवादी, यह शब्द इस वाक्य में दिया हुआ या प्रयोग करा हुआ दिखा देता है। तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। चौथा शब्द, न्योछा, उन्होंने देश की रक्षा के लिए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पांचवा शब्द है दर्शन। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के बार एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा शब्द है झूठ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास। वाक्य है, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता। यह शब्द यह वाक्य में प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। प्रश्न चौथा है, इस एकांकिका का नाट्यकरण कीजिए। हमें कक्षा के छात्रों में से कुछ छात्रों को चुनना है और विविध पात्र बनाया जाए। संभव हो तो उन्हें उचित वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकिका को नाटक के रूप में पेश किया जाए। धन्यवाद।